हेलो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में कुछ इस प्रकार से जश्न ईद मिलाद उन नबी के लिए ग्रुप पोस्टर बनाना सीखेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप लोग देखते रहिए ताकि आप लोग भी इस प्रकार से जश्न ईद मिलाद उन नबी के लिए ग्रुप पोस्टर बना सको। दोस्तों, इस पोस्टर को बनाने के लिए जो PLP फाइल यूज़ हुआ है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग वहां जाके उसको डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन उसमें एक पासवर्ड लगा हुआ है जो इस वीडियो में आप लोग को 3 स्टेप में मिल जाएगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोग ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, पोस्टर बनाने के लिए PictureLab एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग वहां जाके इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों, पोस्टर बनाने के लिए PictureLab एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। एप्लीकेशन को ओपन करते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे स्क्रीन पर आ जाएगा। यहाँ पर न्यू टेक्स्ट को हम लोग डिलीट कर देंगे। उसके बाद राइट साइड कॉर्नर में ऊपर की साइड पे 3 डॉट के निशान पे क्लिक करेंगे, नीचे स्क्रॉल करके ओपन PLP फाइल पे डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे PLP पे क्लिक करेंगे, यहाँ एरो के निशान पे क्लिक करेंगे और जहाँ भी हमने फाइल को डाउनलोड करके सेव करके रखा हुआ है वहाँ से हम लोग फाइल को ओपन कर लेंगे। यहाँ पे ईद मिलाद PLP पे क्लिक करेंगे, ओपन एन ऐड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ओके कर देंगे, उसके बाद बैक हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारा PLP फाइल ओपन हो जाएगा। अब इस PLP फाइल में हमको जो भी चेंज करना है वो चेंज करके हम लोग अपना ग्रुप पोस्टर तैयार करेंगे। इसके लिए प्लस के बगल में जो आइकॉन बना है वहाँ पे क्लिक करेंगे और जहाँ भी हमको चेंज करना है उसे डिलीट करके या एडिट करके हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हो यहाँ पे मैंने कुछ फ़ोटो PNG लगा रखा है। दोस्तों, अगर आप लोग को ये फ़ोटो PNG पसंद है तो इसे डिलीट कर सकते हो और इसकी जगह नई फ़ोटो PNG ऐड कर सकते हो। इसके लिए प्लस के बगल में जो आइकॉन बना है वहाँ पे क्लिक करेंगे और जहाँ भी ये फ़ोटो PNG है वहाँ पे डिलीट वाले आइकॉन पे क्लिक करके इसको डिलीट कर देंगे। उसके बाद दोस्तों, प्लस वाले आइकॉन पर क्लिक करके फ्रॉम गैलरी में जाके हम लोग नई फ़ोटो PNG यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो मैंने लिखा हुआ है, आप सभी देशवासियों को जश्न ईद मिलाद उन नबी की तहे दिल से मुबारकबाद, इस्लामिया अखाड़ा अहिरौली। दोस्तों, यहाँ पे जो फ़ॉन्ट यूज़ हुआ है वो नॉर्मल कृतिदेव फ़ॉन्ट है। तो अगर आप लोग के पास इससे भी बढ़िया कोई फ़ॉन्ट है तो उसे यूज़ कर सकते हो या फिर इसे ही रहने दे सकते हो। साथ ही इसका कलर आप लोग चेंज कर सकते हो और नीचे इस्लामी अखाड़ा अहिरौली की जगह आप लोग अपने गाँव का नाम लिख सकते हो या फिर अपने परिवार का नाम लिख सकते हो। अब दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो मैंने एक फ़ोटो PNG लगा रखा है। यहाँ पे दोस्तों आप लोग अपना फ़ोटो PNG ऐड कर सकते हो और नीचे अपने परिवार के सदस्यों का फ़ोटो PNG ऐड करके आप लोग अपना ग्रुप पोस्टर तैयार कर सकते हो। इसके लिए प्लस वाले आइकॉन पर क्लिक करेंगे, फ्रॉम गैलरी में चले जाएंगे और जहाँ भी हमने फ़ोटो PNG सेव करके रखा हुआ है वहाँ से हम लोग फ़ोटो PNG को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों इसको क्रॉप कर लेंगे जितना भी हमें चाहिए, उसके बाद ओके कर देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बड़े वाले बिंदु पे क्लिक करके इसको एडजस्ट कर देंगे। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक फ़ोटो PNG ऐड कर दिया है। इसी प्रकार से दोस्तों बाकी की फ़ोटो PNG ऐड करके हम लोग अपना ग्रुप पोस्टर तैयार कर सकते हैं। अब दोस्तों, इस पोस्टर को हम लोग गैलरी में कैसे सेव करें, इसके लिए शेयर वाले आइकॉन पर क्लिक करेंगे, इमेज फॉर्मेट में JPG या PNG सिलेक्ट करेंगे, क्वालिटी डायमेंशन में अल्ट्रा सिलेक्ट करेंगे और सेव टू गैलरी पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों, इस प्रकार से हमारा पोस्टर गैलरी में सेव हो जाएगा। दोस्तों, इसी प्रकार से आप लोगों को किसी फेस्टिवल का या अपने शॉप का बैनर बनवाना है तो कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा जिससे आप लोग मोबाइल से ही पोस्टर बना सको। दोस्तों, वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।